हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल टैंकरों के ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। पंप ड्राई होने से बड़ा संकट शुरू। एमपी के सभी पेट्रोलियम डिपो में नहीं पहुंच रहे टैंकर ड्राइवर। सिंगरौली, सागर, भिटनौनी, रतलाम सहित सभी डिपो के बाहर ड्राइवर हड़ताल में। सतना सहित प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पंप हुए खाली। कल तक निर्णय न होने से प्रदेश में वाहनों के थम जाएंगे पहिए। सरकार द्वारा लाए गए नए कानून से नाराज होकर तेल टैंकरों के ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा समस्या है। लोग खड़े हुए हैं लेन पे पेट्रोल लेने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। चार कम से कम 2 घंटे खड़े हो गए यहाँ पे गर्द खड़े हुए। सारे काम 5 पेट्रोल पंप के बाद 6वां पेट्रोल पंप पे आया हूँ मैं यहाँ पे। अनूप बैन, क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जबलपुर के इवन बहुत सारे जगहों के बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पेट्रोल पंप पे माल नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में अमित शाह जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें ट्रक ड्राइवरों एवं टैंकर ड्राइवरों के विरोध में वो बयान है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई टैंक ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर के द्वारा किसी दुर्घटना को किया जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो उसे दुर्घटना पर छोड़ के चला जाता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है एवं कुछ सालों की जेल भी हो सकती है, जिस वजह से टैंक ड्राइवर जो हैं वो हड़ताल पर हैं और हम अपना माल मंगाने में असमर्थ हैं, जिस वजह से हमने पेट्रोल पंप बंद कर दिया। हर्षरण सिंह, पेट्रोल के लिए हम लोग जनता बहुत परेशान हो रही है सर। ये सरकार को काला कानून वापस लेना चाहिए क्योंकि ये पेट्रोल की दिक्कत बहुत आम इंसानों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है क्योंकि ड्राइवर हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को चलाता हैगा और ये वापस लेना चाहिए कि 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा ये कैसे झेल सकता है ड्राइवर, ये झेल नहीं सकता वो। तो इसलिए सरकार से मैं निवेदन करूंगा मोदी सरकार से, ये कानून वापस ले अपना और पेट्रोल जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिले। धन्यवाद।